हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों की आईबीपीएस एएफओ के लिए सीरीज कंटिन्यू है रीजनिंग की, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पजल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज की वीडियो एक नए टॉपिक पर है जो कि बहुत ईजी और स्कोरिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। और आते ही आते हैं ये क्वेश्चन, तो इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है। और जिस टॉपिक का नाम है कॉमन सेंस रीजनिंग, अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें बस आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होंगी उनको रीड करना है, उसमें ऑपरेशन लगाते जाना है। ठीक है, सिंपल और सटीक होने वाले हैं ये क्वेश्चन, पढ़िए। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, इन द वर्ड इनअप्रोप्रिएट, एक ये वर्ड दिया हुआ है। अब यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है कि इस वर्ड में आपको कितने और कैसे कैसे ऑपरेशन लगाने हैं। ठीक है, सब कुछ आपके सोच के ऊपर है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको अल्फाबेट्स के बारे में जानकारी पूरी रहनी चाहिए। पूरी जानकारी मतलब उनकी रैंक क्या होती है, उनकी रिवर्स रैंक क्या होती है, ऑपोजिट पेयर ऑफ लेटर कौन से होते हैं, जैसे कि ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है, ये वाले पेयर्स आपको याद रहने चाहिए, तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे और आपका एक नंबर बहुत पक्का हो सकता है। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पहला स्टेप क्या दिया है, फर्स्ट ऑल द ऑपोजिट्स ऑफ ईच लेटर आर रिटन, यानी कि इसमें जितने भी लेटर हैं सबका हमको ऑपोजिट लेटर लिखना है। ठीक है, अब जैसे आई का ऑपोजिट क्या होता है, आई का ऑपोजिट आर होता है, उसके बाद है एन, एन का ऑपोजिट होगा एम, ठीक है, ए का ऑपोजिट जेड होता है, पी का अपोजिट होता है के, तो पी 2 बार है तो हम के 2 बार रख देंगे, आर का अपोजिट आई होता है, ठीक है, ओ का अपोजिट होता है एल, ओ के बाद पी है, पी का अपोजिट होता है के, और देन दोबारा आर है, आर का होता है आई, फिर आई है तो आई का आर हो जाएगा, ए का जेड होता है, टी का होता है जी, और ई का होता है वी। ठीक है, तो ये टोटल लेटर्स हैं, इनका हमने लिख दिया अपोजिट सबका, तो हमारा जो पहला स्टेप इन्होंने दिया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि है क्या, यहां तक। ठीक है, देन ऑल द लेटर्स फॉर्मड आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब यहां तक ये दूसरा स्टेप हमको करना है। ये जो हमको अब नया अरेंजमेंट मिला है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकली हमको अरेंज कर देना है। अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो यानी कि सबसे छोटा हमको अल्फाबेट देखना है, यानी कि जिसकी रैंक सबसे कम है, जो सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो इस वर्ड में वो सबसे पहले आ रहा है जी, तो जी आ जाएगा हमारा सबसे पहले। जी के बाद हमको दिख रहा है आई, आई कितनी बार है, 2 बार है, तो आई को हम रख देंगे 2 बार। ठीक है, आई के बाद हमको दिख रहा है के, 1, 2, 3 बार है के, के आ जाएगा 1, 2, 3। के बाद जस्ट क्या आता है, एल आता है, एल आ जाएगा यहाँ पे। एल के बाद आता है एम, एम कितनी बार है, एम एक ही बार है, तो देखो कौन कौन से हमारे हो चुके हैं, इनको हम ऐसे कट करते चलते हैं। ठीक है, एम आ जाएगा। एम के बाद हमारे पास क्या है, एम के बाद हमको दिख रहा है यहाँ पे आर, आर जो कि कितनी बार है, 2 बार है, 1 और 2। ठीक है, 2 बार आर हो गया। उसके बाद है वी, वी के बाद है जेड जो कि 2 बार हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज, तो 2 स्टेप हमारे कवर हो गए यहाँ पे। उसके बाद ये क्या कह रहा है, देन रिमूव ऑल द रिपीटिंग लेटर्स। एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने कि जैसे अगर पी यहाँ पे 2 बार है, पी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हमें बस अब केवल एक ही बार लिखना है। अब जैसे यहाँ पे आई 2 बार लिखा है, तो अब 2 बार ना लिख के हम उसको एक ही बार लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3rd स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये था, 2nd स्टेप ये था, 3rd स्टेप क्या हो गया, रिपीटिंग लेटर्स को यहाँ से गायब कर दो। आई 2 बार है, के 3 बार था तो 1 बचेगा, एल एक ही बार था ये ऐसे आ जाएगा, एम एक ही बार था, आर 2 बार था 1 बार लिख देंगे, V सिंगल था, Z 2 बार था 1 बार लिख देंगे। ठीक है, यहां तक ये हमारा कवर हो चुका है क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है, देन हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, ईच ऑफ विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अब हमको इनमें ऐसे पेयर ढूंढने हैं जैसे कि जितने ही लेटर्स उनके बीच में आने चाहिए जितने की इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां से हम काउंट करना स्टार्ट करें, 2 तरीके हैं, अगर आप नंबर्स में ज्यादा तेज हैं, नंबर्स आप जल्दी काउंट कर लेते हैं, और अगर आपको इनकी रैंक पता है तो आप इनकी रैंक लिख लीजिए इनके नंबर इनके नीचे, या फिर आप डायरेक्ट अल्फाबेट से ही पता लगा सकते हैं। अब जैसे जी के बाद क्या आएगा, एच, एच आई जे के एल एम एन, हमको नहीं मिल रहा है पेयर इससे, तो यहाँ पे नहीं, कोई पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद आई के बाद जे के एल एम एन ओ, यहाँ पे कोई नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ से पेयर बनना स्टार्ट हुआ, के बाद एल आता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में भी, यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया के एल का। ठीक है, के एल एक पेयर हो गया।
अभी के से ही चेक करेंगे, जब तक उससे एक सिंगल अल्फाबेट से जितने पेयर बनते जाएंगे उतने हम अलग अलग उनको चेक करते जाएंगे, ठीक है। के से एल एक बन गया, आगे पढ़े के बाद के एल एम, और दूसरा पेयर क्या बन गया, के और एम का बन गया, तो दूसरा पेयर हो गया के और एम का, ठीक है। आगे चेक करेंगे एम के बाद एन ओ पी, अब यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनना, तो के का काम अब यहाँ पे हो गया खत्म, ठीक है। आगे चेक करेंगे एल एम, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, तो एक पेयर बन गया एल के साथ किसका, एम का, तो तीसरा यहाँ पे पेयर क्या बनता दिख गया हमको, एल और एम का दिख गया। आगे चेक करेंगे एन ओ पी नहीं बन रहा, ठीक है, तो एल से भी नहीं बन रहा। अब एम के आगे काउंट करेंगे, देखेंगे एम के बाद एन ओ पी ये भी नहीं बन रहा, आर के बाद एस टी नहीं बन रहा, वी के बाद जेड, तो केवल हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करना था, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे यहाँ पर तीन पेयर मिले हैं हमको, के एल एल के एम और एल एम, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बस आप इनमें से कीवर्ड उठाएंगे कि आपको करना है, पूरा रीड करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सारा खेल प्रैक्टिस करा जाएगा, जो कि आपको कंटिन्यू करनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है ये, द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि ये हमारा वर्ड दिया हुआ है, इसमें देखो कितने वर्ड, ये कितने लेटर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटिंग लिखने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, फर्स्ट और सिक्स लेटर, यानी कि फर्स्ट और सिक्स लेटर को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि सेपरेशन एस और ए इंटरचेंज हो जाएंगे ऑपरेशन में, सेपरेशन ये वर्ड में लिख देता हूं मैं, ये वर्ड है, ठीक है। तो यानी कि अब एस की जगह आ जाएगा सिक्स लेटर, और सिक्स लेटर की जगह आ जाएगा फर्स्ट लेटर, यही हम कर देंगे यहाँ पे, ए यहाँ आ जाएगा और एस आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या करना है, सिमिलरली द पोजिशन ऑफ सेकंड एंड सेवंथ आर लेटर आर इंटरचेंज, सेकंड कौन सा है, सेकंड अब यहाँ पहुंच जाएगा और सेवंथ वाला आ जाएगा आगे, ऐसे ही हमको ये कंटिन्यू करना है, एंड सो ऑन यहाँ पे लिखा है, तो यानी कि अब थर्ड वाला एट्थ से रिप्लेस कर देंगे हम, एट्थ कौन सा है, आई यहाँ आ जाएगा और ये उठ के पहुंच जाएगा पीछे, ठीक है। ऐसी ओ अब आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, एन आगे आ जाएगा और आर आ जाएगा पीछे, ठीक है। तो यहाँ तक के स्टेप हमारे हो गए कंप्लीट। आगे क्या है, इन द न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म्ड हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि राइट से फोर्थ कौन सा है, राइट से फोर्थ है हमारा ई, ठीक है, ई है राइट से फोर्थ, एंड द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट कौन है, आई, लेफ्ट एंड से थर्ड कौन है, आई। अब हमको इसके बीच में लेटर बताने हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज अगर हम देखें तो उनके इनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं, ई के बाद देख लो एफ जी एच और एच के बाद आ जाता है आई, यानी कि तीन लेटर है ऐसे जो कि इन दोनों के बीच में आते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड, ये एक वर्ड दिया हुआ है आर ई सी ए यू टी, ठीक है, इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, इस वर्ड में आर ई सी ए यू टी, ठीक है, इस वर्ड में कॉन्सोनेंट जो है वो तो प्रीवियस लेटर से चेंज हो जाएंगे। अब सबसे पहले कॉन्सोनेंट को चेंज कर दो, आर कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे टी कॉन्सोनेंट है, तो इनको हमने प्रीवियस लेटर से चेंज कर दिया। वॉवल्स के बारे में क्या जानकारी दी है, ईच वॉवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अब ये वॉवल तीन बचे हैं, इनका नेक्स्ट लेटर ई के बाद क्या आता है, एफ, ए के बाद बी और यू के बाद वी आता है, ठीक है। आर अरेंज इन अल्फाबेटिक, इन द न्यू अल्फाबेट्स दस फॉर्म्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब ये जो हमारे पास ये नया अरेंजमेंट बना है इसको भी अब हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यानी कि सबसे पहले बी आ जाएंगे दोनों, बी के बाद आ जाएगा एफ, एफ के बाद क्यू, देन एस और देन वी, ठीक है, अरेंज हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अब फोर्थ बताना है हमको लेफ्ट हैंड से, 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड से फोर्थ हो गया हमारा क्यू, जो कि दे रखा है हमको ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डिजिट व्हिच आर ऑड इन द नंबर, अब देखो ये ऑपरेशन जरूरी नहीं है अल्फाबेट्स पे ही लगे, ये नंबर्स पे भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे जैसे नंबर्स वाला क्वेश्चन आ गया है, व्हेन द डिजिट्स व्हिच आर ऑड इन नंबर, अब इस नंबर में ये जो डिजिट्स हैं जो कि ऑड हैं आर डिक्रीज्ड बाय 2,
यानी कि और जो डिजिट होंगी इस नंबर में वो तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या दो माइनस कर देंगे, यानी कि और डिजिट्स पहले देख लो, सात में से दो का यहाँ पांच बचेगा, यहाँ एक बचेगा, इवन को अभी नहीं छेड़ते, यहाँ सेवन और यहाँ पे तीन, और हमने सारे कर दिए एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय वन। अब जो रिमेनिंग डिजिट्स है उनमें वन ऐड कर दो, तो ये तीन, ये नौ, ये पांच और ये हो गया सात, ठीक है। देन व्हाट इज द सम ऑफ फिफ्थ डिजिट फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से पांचवी डिजिट, एक दो तीन चार पांच, नाइन हो गई, तो यानी कि नाइन का और किसका ऐड करना है हमें, सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज वन, तो नाइन प्लस वन हमको बताना कितना होता है, वो हो जाएगा टेन, जो कि हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। टेन तो कुछ गड़बड़ होगी शायद इसमें, क्या होगा, फिफ्थ डिजिट फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से फिफ्थ डिजिट, एक दो तीन चार पांच, नाइन हो जाएगा, एंड सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकंड डिजिट है लेफ्ट हैंड से जो कि है वन, तो नाइन प्लस वन टेन हो जाएगा ऑफ द न्यू नंबर अरेंज्ड। तो यही होगा शायद, यहीं पे ऑप्शन में गड़बड़ है, तो यहाँ पे नाइन की जगह आप टेन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही करा है हमने, ये डिक्रीज बाय टू, टू माइनस हमने कर दिया ऑड में से, एंड द रिमेनिंग आर इंक्रीज बाय वन, रिमेनिंग में हमने एक एक इंक्रीज कर दिया है फिफ्थ, और ये ठीक है, ये ठीक है, बस ऑप्शन में ही गड़बड़ है, यहाँ पे हमने टेन कर दिया, आप किसी में भी टेन कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सिचुएशन। अब ये वर्ड हमको दे दिया सिचुएशन, ठीक है, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज दे हैव, यानी कि वही वाला जो अभी हमने क्वेश्चन करा था, सेम अब यही सिचुएशन आ गई है, अब सिचुएशन के साथ ही वर्ड भी सिचुएशन आ गया है। अब या तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप इनके लेटर्स से कर लीजिए, लेटर्स से हमने करके देख लिया, मैं जैसे बता रहा था कि रैंक से कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको जैसे अब मैं यहाँ पे लेटर्स लिख रहा हूँ, वहां पे जिसको रैंक याद है वो नंबर्स लिख के उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इनकी मैं रैंक लिखूं तो ये हो जाएगी रैंक, ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बस ये है, फिर आपको ये वर्ड आप दो बार मत लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बस यहीं से देख के आप इसकी रैंक लिख सकते हैं और इसका आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखने हमको पेयर यहाँ पे कितने बनेंगे, ऐसे हमारे 19 के बाद 20, 21, 22, 20, 21 के बाद इससे बड़ा नंबर है ही नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे देखें 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो एक तो बन गया 9 और 15 का, यानी कि आई और ओ का एक पेयर तो हो गया आई ओ, ठीक है। सेकंड पेयर चेक करेंगे 20 के बाद 21, एक पेयर हो गया टी यू का, एक पेयर हो जाएगा टी और यू का, ठीक है। आगे चेक करेंगे 21 से बड़ा नंबर आगे है ही नहीं, ज्यादा आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 21 के बाद नहीं है, एक से एक दो तीन चार पांच, ये भी नहीं बनेगा। 20 के बाद आगे बड़ा नंबर नहीं है, नहीं बनेगा। 9 से बाद 10, 11 नहीं, 15 के बाद नहीं। अब उसके बाद हम देखेंगे 14 और 15, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हम देखेंगे, एक दो ये तीसरा पेयर बन गया 14 15, यानी कि एन ओ का पेयर बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आगे भी चेक करेंगे इसको अभी कंप्लीट, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक पेयर ये बनाएगा किसके साथ, 14 और 20 का, यानी कि N का और T का, N और T का, तो चार पेयर हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। और देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, 2, 3, 4 more than 3, तो यहाँ पे आप देखो आगे चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं है, जब हमारे पास ऑप्शन मिल गया है मोर देन थ्री का, तो अब हमको यहाँ पे चार ऑलरेडी बन चुके हैं, अब आगे कितने भी बनेंगे इससे हमको लेना देना नहीं है, टाइम भी बचाना है और स्मार्टली भी वर्क करना है, तो यहाँ पे ही आप छोड़ के आंसर को टिक करके निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने आपको पांच क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दूंगा किसका गलत है किसका ठीक है, ठीक है। और बाकी और कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो, वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। एक ये क्वेश्चन है 8th और एक ये क्वेश्चन है 9th, ठीक है। इन क्वेश्चन चार क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिएगा और नंबर के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम नजदीक है तो आप तैयारी अपनी कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सारी वीडियोस को देखिए, फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम बी की वेबसाइट पे वो है अवेलेबल, तो आप वहां जाके
अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।